I don't think it's an exaggeration to say that BJP came to power mainly by making very tall promises to the farming community of India when it fought the elections in 2014. I think farmers fell for those promises and voted them to power. 2022 jab azadi ke 75 saal honge tab tak hum kisan ki income ko doguna kar denge uski aay doguna kar denge. Agar aapne kisan ki aamdani 6 saal mein 7 saal mein doguna karni hai 100% badhani hai to aapne koi target to banaya hoga ki 1 saal mein itna karenge 2 saal mein itna karenge 3 saal mein itna karenge banaya नहीं बनाया चलो नहीं बनाया छह साल में आप दोगुना कर दोगे तीन साल में कितनी कर दी एटलीस्ट 2 lakh crores ऑफ रुपीज आर बीइंग लूटेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री व्हाट इज लेजिटिमेटली ड्यू टू देम एंड इन इफेक्ट इंडियन फार्मर्स आर क्रॉस सब्सिडाइजिंग द सैलरीड क्लास ऑल ऑफ अस sitting in urban India. हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में उसका जो इनपुट कॉस्ट है जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा The very first thing that the BJP government at the center did was to start threaten its own state governments and other state governments by saying that if you gave a bonus over the MSP that we have announced here at the center, we will withdraw the center's support in terms of procurement that can be done at the state level. And in the end, we find that the prices that got announced were actually lower than what the UPA was paying in the earlier tenures that they had. देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया सरकार ने तय किया कि अधिसूचित फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा खुल के कहा कि किसान भाइयों कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया हम लोग आएंगे और आपको आपकी लागत का 1.5 गुना MSP दिलवाएंगे फिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता फिर संसद में कृषि मंत्री ने कहा 2017 तक कहा इन्होंने कि हमने तो ऐसा वादा ही नहीं किया था झूठ बात है फिर अरुण जेटली जी ने मार्च 2018 में कहा कि हमने तो वादा पूरा कर दिया कर देते चार महीना पहले कह रहे थे कि वादा किया नहीं अब कहते हैं कि वादा पूरा कर देते हैं हम गांव की खरीद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं At every stage, there's been a betrayal of what has been promised to farmers. संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बजाय आंशिक लागत का 1.5 गुना पकड़ा दिया जो पहले भी मिल रहा था फर्क इतना है कि देना चाहिए था संपूर्ण लागत का 1.5 गुना अगर देते स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से तो किसान को 2340 रुपए पर क्विंटल धान का मिलता इन्होंने दिया आंशिक लागत के आधार पर 1750 रुपया और ऊपर से कहते हैं बधाई हो मिल गया पूरा कर दिया इस तरह का धोखाधड़ी किसानों के साथ इसलिए देश के तमाम किसान संगठनों ने कहा यह तो धोखेबाज सरकार है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं मेरे भाई किसी गांव में जाके पूछ लीजिए ये फसल बीमा से क्या हुआ जी कोई भी गांव वाला आपको बता देगा साहब ये हमारी फसल का बीमा नहीं है ये बैंक ने अपने लोन का बीमा किया हुआ है दुनिया का पहला बीमा है जिसमें बीमा करवाने वाले से पूछा भी नहीं जाता कि आपका बीमा होना चाहिए कि नहीं
बिना पूछे बिना बताए बीमा कर दिया जाता है। कागज का टुकड़ा भी नहीं दिया जाता किसान को कि भाई तुम्हारा बीमा हो गया, तुम इसे वसूल कर लेना। और जब एक बार उसकी फसल मान लीजिए नुकसान हो जाता है, फिर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा तो नुकसान हो गया लेकिन तुम्हारे पड़ोसी का नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें बीमे का पैसा नहीं मिलेगा। कभी सुना है आपने? पीएम फसल बीमा योजना आने से पहले देश के 23% किसान कवर होते थे बीमा। इन्होंने कहा पहले साल में 23 से 30 करेंगे, दूसरे साल में 40, तीसरे साल में 50, किसान का कल्याण। वास्तव में क्या हुआ? पहले साल 23 से 28 हुआ, दूसरे साल 28 से 24 हो गया, वहीं पे खड़ा है। खर्चा 4 गुना बढ़ गया, कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा करोड़ों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा, किसान वहीं खड़ा है, किसान को फायदा नहीं हुआ। In PMFBI, it's basically the governments, both the state and the center, which are paying larger shares of the premium to insurance companies. But if you see what's been paid to the insurance companies and what farmers have obtained as claims that they have asked for, it's the insurance companies' pockets that have been lined and fattened up. किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर दें, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की गई है। गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है। ई नाम हैज डिलीवर्ड लेस देन एमएसपी प्राइसेस टू द फ्यू नंबर ऑफ फार्मर्स हु एक्चुअली रजिस्टर्ड देमसेल्व्स देयर। सो टू थिंक दैट ई नाम हैज सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स हियर and for the government to continue saying that we have created this enam and so on is just a whitewash. Today the kind of protest that we are seeing of farmers all over the country, I think they themselves speak of the lack of performance on the agriculture front by this government. Otherwise farmers would have been a happy lot.